मामला थाना जाकलोन के ग्राम सेवनी का है, जहां का पीड़ित परिवार अपने पिता की 3 वर्ष पूर्व हुई हत्या के मामले में थानेदार से लेकर सीएम दरबार तक गया। सभी जगह से कार्रवाई का आदेश भी हुआ, मगर इस मामले में पुलिस की भूमिका संदिग्ध रही। पुलिस ने इस मामले में अपराधियों से साठगांठ की और उन्होंने बचाने का प्रयास किया, जिस कारण पीड़ितों को लगभग 3 साल बीतने के बाद भी आज तक न्याय नहीं मिल सका। गौरतलब है कि मार्च 2016 में जमीनी विवाद के चलते थाना क्षेत्र के ग्राम कचरौदा निवासी भगवान दास राजपूत की हत्या का आरोप उसकी पत्नी धन कुंवर तथा पुत्र राजेंद्र राजपूत ने गांव के ही मजरा निवासी धनुष राम और संत राम दोनों भाइयों पर लगाया था। उनका कहना है कि जमीन खरीदने के विवाद में इन दोनों भाइयों ने एक राय होकर पीट पीट कर उसके पिता की हत्या कर दी थी। इस मामले को पुलिस ने धारा 304 में पंजीकृत भी किया था, मगर तब से लेकर अब तक अपराधियों और पुलिस की साठगांठ के चलते अपराधियों पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई, जिससे उनके हौसले बुलंद हैं और आज मामले में राजीनामा करने को लेकर हम लोगों के ऊपर दबाव बना रहे हैं, लगातार धमकियां दे रहे हैं। दोनों ही आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं और उनके एक भाई के ऊपर तो हत्या का मामला भी दर्ज है। इस मामले में मृतक की पत्नी धन कुंवर तथा उसके पुत्र राजेंद्र राजपूत ने बताया कि वह थानेदार से लेकर मुख्यमंत्री दरबार तक जा चुका है, सभी को अपनी व्यथा सुनाई। मुख्यमंत्री दरबार से लेकर जिलाधिकारी तक सभी ने यह निर्देश दिए कि मामले की निष्पक्षता से जांच कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, मगर तत्कालीन थाना अध्यक्ष के साथ आरोपियों की साठगांठ के चलते और उन पर कोई भी प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। न्यायालय के लिए हम पिछले 3 सालों से भटक रहे हैं, लेकिन हमें अभी तक न्याय नहीं मिल सका, इसलिए अब 29 अक्टूबर को घंटा घर पर धरना प्रदर्शन करेंगे और 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन घंटा घर पर ही पूरा परिवार आत्मदाह करेगा। इस मामले में पुलिस अधीक्षक कैप्टन MM बे का कहना है कि पीड़ित परिवार हमारे पास आया था, उसे हमने समुचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। हम परिवार को न्याय जरूर दिलाएंगे और परिवार को ना तो धरना प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ेगी और ना ही आत्मदाह की। यहाँ पर आए हर पीड़ितों को समुचित न्याय मिलेगा। मरे घंटा घर में हमारे पास सिर का चूड़ी जल जाए, कैंसल हो गई छाती में, कैंसल हो गई, जब मरी मर रही। क्या हो गया था? कैंसल हो गया, मैं जाए आचर में ऐसे गिरे उठे तो। आपकी सुनवाई कहीं नहीं हुई? क्या हुई भाई, कहाँ कहाँ गई आप? सबरी में गए, देखो लखनऊ उमा भारती के इतने गए, जंतर दरबार में गए, जितने वो भी बैठे होते गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। क्या करेंगी आप? अब तो हमारी जय कि नहीं सुनाई हो तो अब तो हम घंटा घर में तेल डाल के आग लगा के मर जाए। अब क्या नाम है और क्या समस्या है? हमारा राजेंद्र राजपूत, हमारे पिताजी की हत्या की गई है 29/4/2016 में। हम लोग जब इसे परेशान चल रहे हैं, हमारा 304 में मुकदमा लिखेगा, मगर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस ने FIR लगा दी 304 में और फिर भी कप्तान साहब ने कोर्ट से आदेश कर दिए, DM साहब ने भी कर दिए, मगर थाना प्रभारी ने 1,00,000 रुपया ले चुके, मगर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। किस थाना क्षेत्र का मामला है? थाना जाकलोन। कौन थे प्रभारी? ठाकुर हैं वे। ठाकुर हैं। क्या कहते हैं वे? उनने 1,00,000 रुपये वे कहते हैं तुम्हें जहाँ भी जाना हो वहाँ चले जाओ। और हमने लखनऊ गए 10-10 बेर, उतर से SPDM हो, उनने फोन भी किया, मगर उनके सामने अधिकारी कहते हैं कि कार्रवाई करेंगे, मगर कुछ कार्रवाई नहीं। क्या करेंगे अब? हम ये करेंगे कि हम हमारी 29 तारीख में, हम यानी 25 तारीख में प्रार्थना पत्र दे दिया है, DM साहब नहीं मिले, SDM साहब मिले, उनके इलाज में प्रार्थना पत्र दे दिया है और 29 तारीख में हम घंटा घर पर बैठ जाएंगे और न्याय नहीं मिलेगी। रुको, नहीं मिलेगी तो हम 2 अक्टूबर रखो परी आत्महत्या 10 बजे कर लेंगे तिल डाल के। कहाँ करेंगे? घंटा घर पर। सर, एक पीड़ित ने घोषणा की है उसको न्याय नहीं मिल रहा, उससे पीड़ित है और वो आत्महत्या कर लिया, क्या है? वर्ष 2016 का ये प्रकरण है और इस प्रकरण में विवेचना की गई थी जिसमें फाइनल रिपोर्ट आई थी और माननीय न्यायालय के द्वारा इसको वापस किया गया है। इसमें मजीद विवेचना की जा रही है, मैंने SHO को निर्देशित किया है, मजीद विवेचना इसमें की जा रही है, जो सत्यता होगी, जो फैक्ट्स होंगे उसके आधार पर हम निश्चित तौर पर न्याय देंगे और जल्दी इसमें कार्रवाई करेंगे। अच्छा, इसमें उन्होंने 2 अक्टूबर की जो घोषणा की है उस पर क्या? उसकी आवश्यकता नहीं है, जब मैं यहाँ बैठा हूँ निश्चित तौर पर न्याय आपको जल्द से दे पाऊँगा।